नमस्कार दोस्तों, नीरू किचन में आपका स्वागत है। मैं नीरू आपका स्वागत अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो ये दोस्तों, मैं शॉपिंग हॉल शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें मैंने कुछ बर्तन अपने किचन के लिए कुछ सामान लिए हैं, किचन के लिए, घर के लिए। वो मैं आपको, जो मैंने शॉपिंग किया है डीमार्ट से, उसको मैं आपको दिखाऊँगी। तो सबसे पहला ये मैंने लिया है, देखिए ये बेड शीट है, पिलो कवर है, बेड शीट पिलो कवर है। प्राइस इसका ये है तो 2499। ये देखिए, ये इसमें लिखा हुआ है 2499, लेकिन मुझे बहुत ठीक रेट में मिल गया है। इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, रुकिए एक मिनट। देखिए डिजाइन, कलर्स, ये सब कैसे हैं, अब देखिएगा और मुझे भी बताइएगा कि मेरा जो मैंने शॉपिंग की है उस वो कैसे आपको लग रहा है। देखिए ये बेड शीट, ऐसे ही पिलो कवर भी है। ये मैंने एक बेड शीट लिया है, इसको इधर में रख देती हूँ। फिर मैंने लिया है एक स्टील के कढ़ाही, ये देखिए ये अरिस्टो की है और स्टेनलेस स्टील कढ़ाही है। वैसे तो इसका प्राइस अमेजोन पे भी है लेकिन इसका ऊपर जो लीड ढक्कन होता है, इसमें ढक्कन नहीं दे रहे हैं डीमार्ट वाले, लेकिन अमेजोन पर ढक्कन के सहित मिल रहा है। वो भी हमको लगता है 2700-2800 रुपये का इसका प्राइस दे रहे हैं। इसमें लीड नहीं है, सिर्फ कढ़ाई है। तो ये मुझे बहुत अच्छे प्राइस में मिल गया है, मतलब समझ लीजिए 850 रुपये की ये कढ़ाई हमको पड़ी है। और लीड तो घर में बहुत सारे हैं, मैं यूज कर लूँगी, इसलिए मैंने इसको ले लिया है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कढ़ाई, यही कढ़ाई मैं लेके आई हूँ। देखिए थोड़ी सी बड़ी साइज भी है, ये 24 सेंटीमीटर की है। और देखिए बहुत प्यारी सी, बहुत अच्छी सी ये हो गई हमारी कढ़ाई। ये मैंने कढ़ाई लिया है, ये मैंने एक चिप्स का पैकेट लिया है, ये बच्चों के लिए, ऐसे ही बेटी के लिए। और ये मैंने दाल को तड़का देने के लिए, ये भी मैंने डीमार्ट से लिया है। जो मैं सिखा रही हूँ सब कुछ मैंने डीमार्ट से लिया है। तो दोस्तों, अगर आपके मैं ये कोई ऐसा वीडियो नहीं है कि मैं प्रचार करने के लिए, क्योंकि सामान वहाँ अच्छे मिलते हैं, रेट्स में मिलते हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि आप भी जाइए और वहाँ पे शॉपिंग करिए। अगर आपको मेरा शॉपिंग हॉल अच्छा लगे तो आप जाके वहाँ शॉपिंग करिएगा और आप भी लेके आइए, तो आपको भी पता चलेगा कि मुझे जैसे लगता है और जगह की अपेक्षा यहाँ पर ठीक रेट में मिलता है। तो ये हमारी कलछल हो गई, कलछल को 179, ये देखिए 179 इसका प्राइस है कलछल का, ये दाल फ्राई करने के लिए। इसको मैंने यहाँ रख दिया। एक मैंने ये घी का पैकेट लिया है, देसी घी का, जो घर में यूज करने के लिए। मैं पतंजलि के लेती हूँ 1 kg का। इसमें भी हमको लगता है ये लिखा हुआ है, इसमें प्राइस है, दिखाते हैं आपको कितने का पड़ा है मुझे। ये 590 रुपये इसमें लिखा है, और मैं दिखाती हूँ कि आपको कितने मुझे पड़ा है। देखिए रुकिए एक मिनट, ये 590 का है और मुझे 531 ये मुझे पड़ा है। कहाँ पे? डीमार्ट में। बाकी किसी भी शॉप से आप पतंजलि की कोई भी प्रोडक्ट लेंगे, वो आपको एकदम रिटेल प्राइस में देते हैं, लेकिन डीमार्ट वालों ने इसको भी कम पे ही दिया है। तो मैं ज़्यादातर अपने घर की शॉपिंग डीमार्ट से ही करती हूँ। ये हमारा घी हो गया, ये टिशू पेपर, और ये मैंने बिम लिया है 20 वाला, बाकी घर पे अभी था तो मैंने गई थी तो मैं ले ली थोड़ा सा। ये मैंने लिया है, ये नारियल का चूरा है, इसको मैंने लिया है, कोकोनट पाउडर, ये है 200 ग्राम है 33 रुपये का। ये 200 ग्राम का पैकेट 33 का पड़ा है मुझे वहाँ पे। और देखिए ये प्लेट मैंने लिया है, ये प्लेट और ये कटोरियाँ, ये पास से देखिए, ये देखिए ये ऐसे हैं, ऐसे थोड़ा सा जैसे कि कुछ भी हल्का फुल्का परोसना है तो एक दो आइटम हो तो फिर इसके लिए मैंने ले लिया है। ऐसे मुझे मैं देखी, मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया। अब देखिए मैंने कुछ बर्तन अपने किचन के लिए लिए हैं, जैसे ये छोटी छोटी कटोरियाँ ले ली है मैंने, ये ऐसे मैंने 5 लिया है। देखिए ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए, ये 5 छोटी छोटी बाउल मैंने लिया है, छोटे छोटे बाउल।
जो कि हमारे किचन के उपयोग में भी आता है, चटनी और सॉस वगैरह देने के उपयोग में भी आता है। और इसका प्राइज है वैसे तो 21 रुपये इसका प्राइज है, लेकिन ये 13 रुपये में मुझे पड़ी है, ये मुझे 13 रुपये की पड़ी है। फिर ये मैंने 2 चम्मच लिया है, ये 2 स्पून मुझे पड़ा है 12-12 रुपये का, ये स्पून मुझे 12-12 रुपये पड़ा है। देख लीजिए, अच्छा है, अच्छा स्पून है, अच्छा। वहाँ पे वैसे भी कोई, मुझे ऐसा नहीं लगता कोई प्रोडक्ट ख़राब मिलता हो, ठीक ही मिलता है, सारे प्रोडक्ट सही ही रहते हैं और जगह की अपेक्षा। ये मैंने यहाँ रख दिया इसको भी। फिर मैंने सर्व करने के लिए ये वाली कढ़ाई ली है, अच्छी लग रही ना। देखिए, ये सर्व करने के लिए मैंने कढ़ाई ली है, ये मुझे पड़ी है 79 की। वैसे इसका प्राइस है 95 रुपये, लेकिन ये 79 रुपये की मुझे पड़ी है। ये देखिए 95 इसका प्राइस लिखा है, लेकिन ये 79 की पड़ी है, ये ऐसे सर्व करने के लिए। ये मैंने बाउल लिया है, देखिए ये बाउल भी मैंने लिया है, कुछ चीज़ें जैसे मिला के रखना हो, सर्व करने का कुछ निकालना हो, कुछ सब्जियाँ वगैरह हो इसमें बाउल में रखने के लिए, कुछ भी ऐसे, तो मैंने ये बाउल लिया है। ये 55 रुपये का, 55 का मुझे पड़ा है डीमार्ट में। ये देखिए, इसको यहाँ रखते हैं। और ये मैंने प्लेट लिया है, ये जैसे पकौड़ी वगैरह खाने के लिए और कुछ भी ऐसे सर्व करने के लिए, इसमें आप सॉस या चटनी रख दीजिए अपनी। और ये हो गई हमारी, देखिए कलर भी अच्छे हैं ना, ऐसे मैंने 2 लिया है, ये एक रेड कलर का और एक ये ब्लू कलर का। ज़्यादा सामान नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी मुझे ठीक लगा कि थोड़ा सा हमारे उपयोग में आ जाएगा किचन के, तो मैंने ले लिया है। ये है, और ये किया ऐसे बनाना लिप्स का लिया है मैंने, प्लेट सर्विंग प्लेट ये भी है, देखिए अच्छा लग रहा है ना। ये हो गया, और ये मैंने लिया है ऐसे इलायची का पैकेट, वहाँ पे ये 12 रुपये का साथ मुझे मिला है, ये 12 रुपये का 10 ग्राम को वहाँ मिल रहा था, सही रहता है, काफ़ी है इसमें, 10 ग्राम में काफ़ी है, दाने भी ठीक ठाक ही रहते हैं, तो मैं बड़ा मुझे नहीं लेना था, मेरे पास रखा हुआ था, तो मैं छोटा ही ऐसे 12 रुपये वाला ले लिया है, 12 का है ये। ये मैं अमूल का बटर ली हूँ, और ये ऐसे व्हील पाउडर देख ली हूँ, जो कि ऐसे हल्के फुल्के धुलना होता है उसके लिए। बाकी ये मैंने लिया है स्टेनलेस स्टील कढ़ाई, ये भी है, इसमें लीड भी है। ये देखिए, ये देखिए, ये जो पैकेट है, ये देखिए, ये मुझे मिला है, इसमें 3 चीज़ें हैं, देखिए कढ़ाई, ये और ये, 3 चीज़ें हैं इसमें, देख रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ, ये मेरा हो गया कढ़ाई, ये देखिए पास से देखिए, ये मेरी कढ़ाई हो गई। फिर इसमें एक ऐसे, इसमें ऐसे दिया है, ये भी है, ये भगोना टाइप का ऐसे, ये कुछ भी कह सकते हो आप इसको, ये पॉट है, ये पॉट ये भी है, रख देते हैं। और इसमें एक ये दिया है, देखिए ये 3 चीज़ें थी इसमें। और ये पता है इसका प्राइस कितना है, ये 3995 इसमें लिखा हुआ है, 3995 ये इसका प्राइस। तो दोस्तों, ये मेरा, मैंने कुछ छोटी मोटी शॉपिंग की थी, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये मेरा शॉपिंग हाल है, आप लोग को इसमें से जो चीज़ें अच्छी लगी आप मुझे कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको भी लेना हो तो आप डीमार्ट पे जाके शॉपिंग करिए, वहाँ पे जो भी सामान है ठीक रेट में मिलते हैं और जगह की अपेक्षा। तो मैं यही कहूँगी कि दोस्तों, आप लोग जाके डीमार्ट में एक बार देख जरूर लीजिए, अगर आपको कोई भी पसंद आए तो आप ले भी सकते हैं।